कैमूर जिले में बिहार का इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है, जिसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल विभाग है। बता दें कि इस इको पार्क का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करेंगे। इस पार्क में वन्य जीवियों को प्रदर्शित किया गया है। पार्क में 80 फीट ऊंचा लोहे का सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। इस पार्क की कलाकृतियां काफी आकर्षक करती है, जो पूरी तरीके से नेचुरल दिखती है। अच्छा, लाइन जुड़ा है। एकड़ में फैला हुआ है, कितने की लागत से बना है, ऐसा बिहार में है कि नहीं? देखिए, ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है, उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और 1 जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो 1 5 एकड़ और 1 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह भी है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारी प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें। सर, कितने खर्च हुए होंगे, कितने की लागत? कुल 10 करोड़ की लागत आई है इस पार्क को बनाने में। तो ये पार्क जो है अब 14 एकड़ में ये बना हुआ है। सर, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आ रहे हैं। 12 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, सुबह में 11 बजे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सर, जो लोग जम्मू कश्मीर मुगल गार्डन का पार्क देखने जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, भारत में बहुत विविध जगह है और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमारे बिहार में भी बहुत काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ भी जो लोग, अगर आसपास के लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं, जो आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहेंगे कि यहाँ भी घूमने फिरने के लिए काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, यहाँ आएँ और आकर के आनंद उठाएँ।